नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के महाराजगढ़ थाना क्षेत्र में देर रात महेशपुर गांव के समीप पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश को दबोच लिया गया। उसके कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस एवं बाइक बरामद किया है। पकड़े गए बदमाश की पुलिस को हत्या प्रयासियों वितेमा क्षेत्र में एक महिला के साथ हुई लूट की घटना में तलाश थी। घायल अपराधी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर ग्राम निवासी वंदना यादव बीते 15 मार्च को स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि वह अपने देवर रामाशीष के साथ बाइक पर बैठकर मुड़ेलपुर मार्ग से होते हुए अपने घर जा रही थी, तभी बाइक सवार दो बदमाश रास्ते में हमें रोक लिए और देवर के साथ मारपीट करते हुए मेरे शरीर पर मौजूद सोने की चेन और लॉकेट छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस विवेचना में महाराजगंज कस्बे के शास्त्री नगर वार्ड निवासी मोहम्मद अजीम का नाम प्रकाश में आया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। गुरुवार की देर रात महाराजगंज कस्बे में मौजूद थाना प्रभारी राजीव कुमार मिश्र को सूचना मिली कि महिला के साथ हुई लूट की घटना में वांछित बदमाश क्षेत्र के कटान बाजार से महाराजगंज कस्बे की ओर आ रहा है। पुलिस सक्रिय हुई और बताए गए रास्ते पर घेराबंदी कर बदमाश का इंतजार करने लगी। रात करीब 12 बजे उक्त बाइक सवार बदमाश का महेशपुर गांव के समीप पुलिस के से सामना हुआ और उसने बाइक मोड़कर वापस भागने की कोशिश में उसकी बाइक फिसल गई। पुलिस से घिरे बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दिया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी और घायल बदमाश को पुलिस ने काबू में कर लिया। तत्काल उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। घायल बदमाश की पहचान महाराजगंज कस्बा निवासी मोहम्मद अजीम के रूप में की गई। उसके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस, लूट की घटना में प्रयुक्त बाइक एवं 700 रुपए बरामद किए गए हैं। कल रात्रि थाना महाराजगंज की पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि लूट घटना में वांछित चल रहा था। दिनांक 15 मार्च 2024 को थाना महाराजगंज पर एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला के साथ दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा लूट की घटना का चेन की लूट की घटना का कारित होना बताया गया। इस घटना का तहरीर मिलने पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और दौरान विवेचना में अच्छी बात यह आई इसमें कि महिला द्वारा इसमें मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया गया था, जिस मोटरसाइकिल नंबर से मालिक का तस्दीक किया गया एवं अन्य साक्ष्य संकलनों के आधार पर एक व्यक्ति इसमें प्रकाश में आया, जिसका नाम है मोहम्मद अजीम पुत्र मोहम्मद सलीम। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। कल रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति महेशपुर मोड़ के पास में रोड के पास में एक अन्य घटना को कारित करने की फिराक में है, जिस पर सूचना पर नियमानुसार पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति की घेराबंदी की। पुलिस की घेराबंदी देखकर व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग खोल दी, जिसकी जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें व्यक्ति के अभियुक्त के बाएं पैर पर गोली लग गई है। तत्काल उसको उपचार दिया गया और जिला अस्पताल में रेफर कराया गया। इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करते हुए न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। अन्य एक अभियुक्त जो प्रकाश में आया, उसकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। और यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।